तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स के स्टॉक की। ये जो कंपनी है डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स बनाती है और इस स्टॉक में बहुत ही बड़ा नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। आजकल ये स्टॉक 300 से भी नीचे मिल रहा है, 291 के अराउंड इसकी करंट मार्केट प्राइस है। तो इस स्टॉक में गिरावट का कारण भी समझेंगे और आने वाले टाइम में क्या टारगेट रह सकते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर दें। दोस्तों सबसे पहले इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। लास्ट 5 डेज में देखो इस स्टॉक में रेंज बाउंड काम होता दिख रहा है। 300 के राउंड इसका रेजिस्टेंस लेवल है जबकि लोअर सपोर्ट लेवल 290 के राउंड है। ये जो स्टॉक है बहुत ही रेंज बाउंड काम करता दिखाई दे रहा है। जबकि 1 मंथ में देखेंगे तो यहाँ पे भी बड़ी वॉलेटिलिटी है। यहाँ पे 280 के राउंड इसका जो है वो सपोर्ट लेवल है जबकि 320 के राउंड इस स्टॉक का जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। 6 मंथ में देखोगे बहुत ही बड़ी गिरावट है, 27% के राउंड गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली नीचे ही गिरता जा रहा है, कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं है। आगे कारण भी समझने की कोशिश करेंगे। 1 ईयर में 22% की गिरावट इस स्टॉक में हो चुकी है जबकि इसका पहला जो सपोर्ट लेवल है 300 के राउंड है वो टूट चुका है। जबकि 5 ईयर्स में देखें तो अभी भी इस स्टॉक में 26% के पॉजिटिव रिटर्न्स है और मैक्सिमम 115% के रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में जरूर एक मल्टीबैगर स्टॉक है, तो आइए इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स क्या कह रहे हैं और आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड्स इस स्टॉक में रह सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स देखो तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। रेवेन्यू में जरूर 7% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन एक्सपेंस में 45% की ग्रोथ है जिसके कारण मार्जिन भी रिड्यूस हो गए हैं और जिसके कारण नेट इनकम भी रिड्यूस हो गई है। तो एक्सपेंस बढ़ने के कारण कंपनी के मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इनकम रिड्यूस हो रही है, तो यही बड़ा कारण है इस स्टॉक में बड़ी गिरावट का। जब तक कंपनी के नंबर पॉजिटिव नहीं आएंगे तब तक गिरावट चलती रहेगी। इसका चार्ट स्टडी करो, दिसंबर 21 से लेकर जून 22 तक इसका सेल्स बढ़ रहा था लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग ट्रेंड शो करता दिखाई दे रहा है। अब इसका जीरो ऑन जीरो बेसिस पे परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो है आपको रैली देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है लेकिन अभी भी मार्जिन जो है बढ़ने के कारण कंपनी की जो इनकम है वो जीरो ऑन जीरो बेसिस पे रिड्यूस जरूर हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म की ग्रोथ आउटलुक पॉजिटिव है, बढ़िया है, शानदार है। इसकी बैलेंस शीट का डाटा भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट भी देखो लॉन्ग टर्म में ग्रो ही होती आपको दिखाई दे रही है। एसेट्स देखो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं, ये ब्लू कलर में जो एसेट्स हैं बहुत ही बड़ा जंप शो कर रहे हैं स्पेशली 22 में, और साथ के साथ लाइबिलिटीज भी जरूर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो 2018 से लेकर 22 तक इसके एसेट्स जो हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कैश की, कैश जो है वो जरूर रिड्यूस होता दिखाई दे रहा है ऑन ए जूअर क्वार्टरली बेसिस। तो लेटेस्ट क्वार्टरली डाटा नंबर नेगेटिव आने के कारण कंपनी का देख सकते हो आप कैश फ्लो नेगेटिव हो गया है और यही बड़ा कारण है इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी का, नेगेटिव ट्रेंड का। लेकिन कंपनी अच्छी है दोस्तों, मुंबई बेस्ड कंपनी है, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है जैसे कि LED लाइटिंग, फैंस, पंप्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेज लाइक द वाटर हीटर्स, एयर कूलर्स एंड द किचन अप्लायंसेज। अब इस स्टॉक में ना एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसको हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। दोस्तों इस कंपनी का मर्जर होने जा रहा है, एक और कंपनी है गांधीमती, तो उसके साथ ये कंपनी जो है वो मर्ज होने जा रही है। तो ये एक अच्छी न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है इस कंपनी का जो मर्जर होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जब कंपनी का मर्जर होता है तो फिर उस स्टॉक के जो नंबर जरूर ग्रो होते हैं। दोस्तों जो गांधीमती कंपनी है वो जो है वो डिफरेंट टाइप के किचन अप्लायंसेस बनाती है, तो इसलिए दोस्तों आने वाले टाइम में ये कंपनी का बहुत ही बड़ा आपको जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो क्रॉम्पटन ग्रीव्स एंड द बटरफ्लाई गांधीमती मर्जर प्रपोजल, हियर इज व्हाट द एनालिस्ट से। तो देख लेते हैं कि एनालिस्ट की मर्जर पे क्या राय है, क्योंकि मर्जर एक पॉजिटिव, क्योंकि दोस्तों कई कंपनी अपना बिजनेस डीमर्ज करती हैं, कई कंपनीज होती हैं डिफरेंट कंपनी के साथ अपना बिजनेस जो है वो मर्ज कर देती हैं, तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात करें, द एनालिस्ट पेग बटरफ्लाई गांधीमती रेवेन्यू ग्रोथ एट 15-16% फॉर द कमिंग ईयर्स एंड फेल्ट दैट द क्रॉम्पटन्स थ्रस्ट ऑन ब्रांडिंग एंड इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अलॉन्ग विद द रीसेंट करेक्शन इट्स इज इट्स
इनर शेयर प्राइस मेक इट ए कंपेलिंग बाई। तो अब इस स्टॉक पे कंपेलिंग बाई आ रही है क्योंकि कंपनी का मर्जर भी होगा और जो बटरफ्लाई गांधीमती है उसकी रेवेन्यू ग्रोथ 15% से लेकर 16% तक की रह सकती है। द क्रॉम्पटन लीडरशिप टीम हैज डिस्प्लेड स्ट्रॉन्ग ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन एंड रिगर एज पर एज द करंट पोर्टफोलियो इज कंसर्न। तो कंपनी की मैनेजमेंट अच्छा काम करती दिखाई दे रही है। दैट सेट द न्यू स्ट्रेटजी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग शेप अप द एंड इम्पैक्ट रिटर्न रिमेन्स ए की मोनिटेबल। तो आने वाले टाइम में दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24 तक कंपनी की जो है ग्रोथ आरओई जो प्रोफाइल है आरओई परसेंटेज प्रोफाइल है वो 20% प्लस रह सकता है। तो मतलब कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में नंबर्स नेगेटिव आने के कारण स्टॉक गिर रहा है, लेकिन अब इस स्टॉक पे डिफरेंट जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो 370 के टारगेट दे रहे हैं बेस्ड ऑन द पीई मल्टीपल्स एंड दैट ऑफ द फंडामेंटल डाटा। क्योंकि मर्जर के बाद पब्लिक शेयर होल्डर्स ऑफ द बटरफ्लाई गांधीमती एज ऑन रिकॉर्ड डेट विल रिसीव 22 इक्विटी शेयर्स ऑफ द क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो जो भी लोग बटरफ्लाई को होल्ड कर रहे हैं उसको एक शेयर के बदले 22 शेयर्स ऑटोमेटिकली जो है वो मिल जाएंगे। तो एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म में रहेगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जरूर इस कंपनी का जो ग्रोथ आउटलुक है पॉजिटिव है और 370 के टारगेट इस स्टॉक में इजिली अचीवेबल है। तो इसलिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की कोशिश करें, शॉर्ट टर्म के लिए कोई पोजिशन बनाने से इस स्टॉक से बचें क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट दी गई है इसमें आपको जो है पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। ये डिफरेंट जो जियर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इसका जो डाटा आया है क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 23 का, क्वार्टर टू का, उसको हम यदि कंपेयर करें तो कंटिन्यूसली इसका पैट जो है वो बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इसका जो पैट भी बढ़ता दिखाई दे सकता है और क्वार्टर फोर में नंबर्स भी इसके पॉजिटिव आने के चांसेस है। तो हम आपको ये भी राय देंगे क्वार्टर फोर और फाइनेंशियल ईयर 23 के नंबर चेक करने के बाद इस स्टॉक में जो है निवेश करें। शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनानी है तो आप इन रिजल्ट्स को जरूर चेक कर लें क्योंकि कंपनी के नंबर पॉजिटिव रहें तो स्टॉक में आपको 370 से लेकर 400 तक के टारगेट इजिली जो है वो देखने को मिल सकते हैं। थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स अगेन।